हनुमान जी को दे दिया तो हनुमान जी ने देखा कि ये क्या है। वो फोड़ने लगा, उन रत्नों को तोड़ने लगा। चारों तरफ जवारी बैठे हुए थे, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे, जो उनको उनकी परख थी वो समझे और देखा, बोले कि इसको तो इन वस्तुओं का पता ही नहीं है, कहाँ किसके हाथ में क्या दे रहे हो, जिसको ये ही नहीं पता इनकी कीमत क्या है, इनका अस्तित्व क्या है। ये पृथ्वी के उन गिने हुए हीरों में से हैं जो निकाल करके इकट्ठे किए गए हैं। क्या कीमत होगी इनकी, कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। इस प्रकार से जब वो बोलने लगे कि इसको तो गलत हाथों में दे दिया, ये तो हमारे पास होना चाहिए था, तो उन्होंने एक से नहीं रुका गया, उन्होंने हनुमान जी को बीच में टोक दिया और रोक दिया कि ये आप क्या कर रहे हो, ये तोड़ने के लिए नहीं है, ये अनमोल पदार्थ हैं जो इतने आसानी से किसी के हाथ नहीं लगते और ये श्री राम के चरणों में चढ़े हैं। उन्होंने कहा जिसमें श्री राम का नाम नहीं उनका लाभ ही क्या है, क्या काम आएंगे, मैं क्या करूँगा ऐसी वस्तुओं का। सबने एक साथ एक स्वर में कहा, क्या तुम्हारे शरीर के अंदर राम का नाम है, क्या आपके शरीर के अंदर नाम है। तो उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि साबित करके दिखाइए। ये इतना बोलना था कि उनके रोम रोम से हृदय के अंदर जो नाम की गूंज चल रही थी वो गूंज बाहर सुनाई देने लगी। कुछ लोग बोलते हैं उन्होंने अपने हृदय को उखाड़ करके फाड़ करके दिखा दिया, शरीर को फाड़ करके दिखा दिया, लेकिन वो लोग खोज कम करते हैं। जब अंदर में गूंज सुनती है, जब अंदर में उसके नाम की धड़कन सुनती है, कुछ योगीजन जो ध्यान में बैठते हैं उन्हें नाम चारों तरफ से घूमता हुआ दिखाई देता है, कुछ योगीजन जो ध्यान में बैठते हैं उन्हें नाम की गूंज सुनाई देने लगती है, कुछ योगीजन जो ध्यान के ऊपर बैठते हैं उन्हें नाम दिखाई देने लगता है घूमते हुए कि ये नाम चल रहा है, उन्हें ओम का नाद सुनने लगता है, उन्हें जो नाम है उसका अनुभव होने लगता है, वो सामने से दिखने लगता है। जब वो उस स्थिति में जाते हैं तो उसी प्रकार से वो रोम रोम से उनके नाम गूंजने लगा। तो जब आपकी स्थिति यही हो जाएगी, जब आप इतने तेजस्वी हो जाओगे, जब आपकी पकड़ नाम के ऊपर हो जाएगी, जब आपके ऊपर उस परमात्मा की कृपा बरसने लगेगी, जब आप उस सच्चे बादशाह की ओर बढ़ने लगोगे, तभी आपको ये रहस्य समझ आने लगेंगे। और जो ये सांस का रहस्य है, अगर ये समझ में आ गया और आप इसके ऊपर चल पड़े, कोई भी आ करके ये नहीं बोलेगा मेरा ध्यान नहीं लगता, कोई भी आ करके ये नहीं बोलेगा मेरे से बैठा नहीं जाता, कोई भी आ करके ये नहीं बोलेगा मेरे कर्म में भक्ति नहीं है, कोई आ करके ये नहीं पूछेगा कि राम का नाम रटूँ या कृष्ण का नाम रटूँ या शिव का नाम रटूँ। ये सब के सब सवाल अपने आप मिट जाएंगे, क्योंकि अनुभव जब होता है वो सवालों को समाप्त कर देता है, मिटा देता है। लेकिन जब तक अनुभव नहीं होता, सवाल के ऊपर सवाल खड़े होते जाते हैं और सवाल इतने फैल जाते हैं कि उन सवालों को समेटना मुश्किल हो जाता है और ये सवाल इतने अंदर तक चले जाते हैं, ये टूटते तक नहीं और आदमी को तोड़ देते हैं और अंदर से मन को इतना कमज़ोर कर देते हैं, छोटी छोटी विपत्तियों से, छोटे छोटे रोगों से, छोटी छोटी समस्याओं से, छोटे छोटे कारणों से जीव भागने लगता है, डरने लगता है, भयभीत हो जाता है, अपनी जान के लिए, अपने प्राणों के लिए इतना भयभीत रहता है, कहीं मर न जाऊं, कहीं शरीर न छूट जाए, कहीं किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो जाए, कैसे क्या जीवन चलेगा। उस शरीर के लिए हम इतना दौड़ रहे हैं जो हमारा है ही नहीं, जो हमारा नष्ट हो जाने वाला है,
जिसको प्राप्त करने के लिए देवता तक तरसते हैं कि लाभ उठा सके, और आप बिना लाभ उठाए ही जैसे आए थे वैसे ही निकल जाओगे। क्या मिलेगा आपको? कहाँ कैसे चढ़ाई होगी? कैसे किस प्रकार से उस परमात्मा की प्राप्ति होगी? जब तक उसकी कृपा आपके ऊपर नहीं बरसती तब तक आप इधर उधर इसी प्रकार से भागते रहे, और जब आपके ऊपर कृपा बरसेगी अंदर से विकार समाप्त होने लगेंगे, अंदर से दुर्गुण भागने लगेंगे, अंदर से कमजोरियां भागने लगेंगी, आत्मविश्वास बढ़ने लगेगा, प्रेम बढ़ने लगेगा। उस परमात्मा की कृपा के साथ साथ आपके अंदर सद्गुण उत्पन्न होने लगेंगे, दुर्गुण जाने लगेंगे। ये उसकी कृपा समझो आनी शुरू हो गई है, और जब दुर्गुण बढ़ने लगे और सद्गुण घटने लगे समझो परमात्मा अभी हमारे से बहुत दूर है। जो ये संकल्प विकल्प का खेल होता है, जो ये संकल्प विकल्प हम लेते हैं करते हैं किसी भी प्रकार से, जब तक इसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, मन के ऊपर काबू नहीं किया जा सकता, जब ये श्वास इतना धीरे चलने लगता है, जब हम भोजन करते हैं तो 16 से 18 श्वास आते हैं, जब दौड़ लगाते हैं उस समय 45 से 50 श्वास आती है, और कामी जो लोग होते हैं काम के वक्त 50 से 55 सांसें आती हैं। कितनी सांसों की तेज गति हो जाती है, कितना अंदर से आग उगलने लगती है। तो ये सब कुछ धीरे धीरे जब हम कंट्रोल में लाने लगेंगे, ये सांस बिल्कुल नज़दीक आने लगेगा और पता भी नहीं चलेगा कि कितना हमने कंट्रोल कर लिया। धीरे धीरे जितने कम सांस होंगे उतनी ही नज़दीकता से सांस उठने लगेगा। ये नज़दीकता कैसे? जिस प्रकार से इस ऐसे समझो ऐसे श्वास उठते हैं, तो जो 12 उंगल दूर से जो श्वास उठता है वहाँ से और नज़दीक एक दो उंगल और घट जाएगा। जब ये कम होगा तो मन कंट्रोल में आने लगेगा, क्योंकि श्वासों की गति कम हो जाएगी, श्वासों की हृदय की जो धड़कन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, और श्वास के ऊपर कंट्रोल होने लगेगा, अंदर तक श्वास जाने लगेगा। जितना अंदर तक जाएगा जागृति और मानव जीवन का विकास उतना ही मजबूत होगा। जब आप 12 से श्वासों के अंदर 9 के ऊपर आएंगे तो आपके ये जो अंदर में ऊर्जा है ये जागृत होने लगेगी, मन को कंट्रोल करने लगोगे, फिर यही जो दूरी है ये घट करके अगर 6 उंगल के ऊपर आ गई कि 6 उंगल दूर से श्वास उठ रहा है अंदर जा रहा है, तो आप और कंट्रोल में काम को कंट्रोल में करने लगोगे, क्रोध को कंट्रोल में करने लगोगे, मन को कंट्रोल में करने लगोगे, विचारों के को कंट्रोल में करने लगोगे। और जब यही दूरी घट करके 3 उंगल दूर रह जाएगी तो 8ों की 8ों सिद्धियां आपके द्वार के ऊपर खड़ी हुई नजर आएंगी। कोई हिला भी नहीं सकता कि कोई इधर उधर हो जाए, न आपको किसी तंत्र की आवश्यकता होगी, न किसी मंत्र की आवश्यकता होगी, न किसी नदी किनारे बैठना होगा, न पितरों की सिद्धियां करनी पड़ेंगी, न देवों की सिद्धियां करनी पड़ेंगी, न कुछ उनको देना पड़ेगा, बल्कि वो देने के लिए आपके द्वार के ऊपर खड़े रहेंगे। भगाओगे तो भी नहीं भागेंगे, और आवश्यकता अनुसार बिना सोचे ही जो भी संकल्प उत्पन्न होगा, कभी कोई संकल्प उत्पन्न हुआ संसार के लिए, जगत भलाई के लिए, किसी कार्य के लिए कोई इच्छा उत्पन्न हुई वो तुरंत पूरी हो जाएगी। लेकिन जब यही 1 उंगल दूर से उत्पन्न होगी और ये श्वास कंट्रोल में हो जाएगा, और 1 मिनट की जगह अगर 3 मिनट के अंदर 1 श्वास आने लगेगा तो ये शरीर इच्छा मृत्यु के ऊपर चला जाएगा। ये नहीं कि कभी भी मर जाओ, नहीं, ये फिर आपके अनुसार ये शरीर चलेगा। जब आपकी इच्छा होगी तभी प्राण छोड़ोगे,
नहीं इच्छा होगी तो प्राण नहीं छोड़ोगे, कोई काल महाकाल आपके साथ खेल नहीं कर पाएगा, आपके प्राणों का हरण नहीं कर पाएगा, मृत्यु आपके आसपास भी नहीं रहेगी।